अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद डीडी सिस्टर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, जिसका नाम है मस्क मेलन शरबत। मस्क मेलन शरबत को खरबूजे का शरबत भी बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है। अभी रमज़ान है और खरबूजा आ रहा है इतना ज़बरदस्त सा, मस्क मेलन भी आ रहा है, खरबूजा वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स। हमें मस्क मेलन शरबत बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है, यहाँ मैंने मस्क मेलन लिया है, यहाँ दूध लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने तूक मलंगा, हाँ वही तूक मलंगा, मुझे भूलने की बहुत बीमारी है, तूक मलंगा लिया जिसे मैंने भिगो दिया है। यहाँ मैंने साबुदाना लिया है, चीनी लिया है और कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या करना है आगे। यहाँ मैंने मस्क मेलन लिया है, अब मैं इसे कट करूँगी, इस तरह से इसे कट करूँगी मैं। ये मैंने काट दिया है, अब मैं इसको चमचे की मदद से निकाल लूँगी, सारे बीज को अच्छी तरह से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है, अब मैं मतलब मैंने काट तो लिया है और इसको अंदर से निकाल दिया बीज, अब इसके मैं इस तरह से पीसेस करूँगी। ये देखिए सबको मैंने काट लिया है इस तरह से, अब मैं इसके छिलके उतारूँगी इस तरह, ये सब छिलके उतार लूँगी मैं सबके। ये देखिए मैंने सब छील लिए हैं, अब मैं इसे कट करूँगी इस तरह से। सबको मैं इसी तरह से काट लूँगी। ये देखिए ये सब कट चुके हैं। यहाँ मैंने ब्लेंडर लिया है, अब इसके अंदर मैं मस्क मेलन डाल दूँगी जो मैंने काट लिया है सारा। ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून पानी। अब इसे मैं बंद करूँगी और इसे चलाऊँगी, अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी मैं इसे। ये देखिए ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। यहाँ मैंने पतीली ली है और इसमें मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है और ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी साबुदाना 2 टेबल स्पून, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से पकाऊँगी मैं ताकि ये फूल जाए, और मीडियम आँच रखी है मैंने इसकी। ये देखिए साबुदाना हो गया है, मतलब फूल के कुप्पा हो चुका है, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी। यहाँ मैंने पतीली ली है और इसमें मैंने 2 कप दूध डाल दिया है, अब इसे मैं अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाऊंगी। दूध में उबाल आ चुका है, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून चीनी, अब मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसे मैं इतना पकाऊंगी कि चीनी घुल जाए अच्छी तरह से। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है वनीला फ्लेवर का, अब मैं इसमें डालूंगी पानी 2 टेबल स्पून, अब इसे मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। ये घुल चुकी है अच्छी तरह से, अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड डालूंगी और इसे साथ ही साथ चलाती जाऊंगी। ये सब मैंने डाल दिया है, अब इसे मैं थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। ये हो चुका है अच्छी तरह से गाढ़ा, अब मैं इसके अंदर ये मस्क मेलन डालूंगी जो मैंने ब्लेंड किया था, ये सब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसे मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी अच्छी तरह से। ये हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आपको इसके अंदर चीनी कम लगे तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी तूक मलंगा जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिए थे और इसे अच्छी तरह से मैंने भिगो दिया था। अब मैं इसमें ये साबुदाना डालूंगी, ये सारा जो मैंने बनाया था ये सब मैं डाल दूंगी तरह से। ये दोनों मैंने डाल दिए, अब इसे मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। आप इसे में बर्फ भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसे ऐसे ठंडा करूंगी, फिर मैं इसे गिलास में निकाल लूंगी। टाड़ा, मज़ेदार सा मस्क मेलन शरबत तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। आप इसे अफ्तारी में बनाएं, बच्चों को बना कर दें, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।